वाले से प्रार्थना की तो पूरे गांव में एक साथ बाढ़ आ गई। छोटी सी प्रॉब्लम में तेरी हेल्प मांगी थी, तूने उससे बड़े झमेले में फंसा दिया। तेरी गर्लफ्रेंड के भाई को पता चला कि मेरा बाप तेरा बाप नहीं है, या मेरे पापा को पता चला कि सुप्रिया असल में तेरी गर्लफ्रेंड है, तो शादी दूर, जिंदा रहने की गारंटी नहीं, मार डालेंगे। टेंशन अभी नहीं, ठंडे दिमाग से लेंगे, अभी शादी पे फोकस करते हैं। चलो देखते हैं। आ गया। आइए, नमस्ते। वेलकम वेलकम, ये मेरा घर है, मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। ये कोई ताजमहल है क्या जो टूरिस्ट गाइड की तरह एक एक बात बता रहा है? अंदर मेरे पापा, मतलब इसके पापा है, वो बहुत गुस्से में है। वो गुंडा किस्म का लड़का आया क्या? पता नहीं। आइए। एक बात बता, ये शादी की बात करने आए हैं कि मर्डर करने की? अभी शादी की बात करेंगे, बाद में मर्डर भी करेंगे। ओ। पापा जी नारायण, बड़े भाई रवि कुमार, भाभी माँ, उनके फूल जैसे बच्चे चिंटी बंटी, वन बिग फैमिली। चक्कर क्या है, ये बेगानी शादी में अश्विन क्यों दीवाना हो रहा है? करने दीजिए ना, अपनी तारीफ ही तो कर रहा है। सही है ना? हाँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, बैठिए। बड़े भाई, मकान सॉलिड बना है, चका चक। भाई, ये मुझे भाई क्यों बोल रहा है? अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज है। उम्र के हिसाब से बहू ज्यादा बड़ी नहीं है। बहू? मैं बहू नहीं हूँ, बहू तो सुप्रिया है। एक बात कहूँ, पेज थ्री की मॉडल लगती है। पेज वन टू कोई पढ़ता ही नहीं है, पेज थ्री बनना पड़ता है। ये बात तुम कैसे जानते हो? तुम पेज फोर के हो क्या? सुप्रिया, वहाँ उसके पास बैठो। बेटे के बगल में बैठने के बजाय बीच में ही बैठ गई। जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों कितने क्यूट हैं। क्यों भाई, नल्ले को कोई काम नहीं? कोई काम तो होगा ना बाहर। दो ब्रेड के बीच में चीज, बिस्किट के बीच में क्रीम, दोस्तों के बीच में बियॉन्से। सच कहूँ, हमारा बेटा तो हमें पसंद ही नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से अच्छा लग गया? हाइट से मार खा गया, पर दिल का नेक है तो प्यार हो गया। इसे क्या, लम्बो की हाइट कम लग रही है? कम हाइट का मतलब छोटी सोच होगी। हाँ, ये हो सकता है। ओए, डिमांड क्या है, कितना लोगे? दहेज लेना और देना कानूनी जुर्म है। सुनो जी, फैमिली कितनी अच्छी है। सुप्रिया, तुम बच गई, मुझसे बहुत लकी हो, है ना जी? शादी की तारीख निकलवाएं? अति उत्तम, पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित किस लिए चाहिए, अभी कर लेते हैं। ए, इन दोनों को अंगूठी दे दो। अंगूठी? ठीक है भाई। सगाई की रस्म होगी, फोटोग्राफर को भी बुलवाया जाएगा, रिवाजों के हिसाब से सगाई की जाएगी, शादी के कार्ड बनाए जाएंगे, हॉल बुक करेंगे, पंडित आके मंत्र पढ़ेंगे, तब जाके शादी होगी, और कल इसकी शुरुआत होगी फोटो सेशन से। और मेरी फोटो पे तो हार चढ़ने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? पापा को 5 करोड़ दहेज में चाहिए। लेकिन उन्होंने तो कल ही मना किया। नींद में ही लालची हो गए। अब क्या करें? सिंपल सी बात है, कोर्ट मैरिज करेंगे, एक मंगलसूत्र, दो मालाएं, 3-4 गवाह, 5 मिनट में काम खत्म, हो गई शादी। ये करना ठीक होगा? एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस चलो तो सही, पापा सीधा लाइन पे आ जाएंगे, अरे मेरी गारंटी है। एक्चुअली यू नो, मैं हमेशा से छुप के शादी करना चाहती थी। पहले क्यों नहीं बताया, चलो भागे। रजिस्टर में दोनों साइन करो। अब माला एक्सचेंज करो। एक्सचेंज मतलब पहनाओ। पहले किसके घर चले? तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। अलग रहने के लिए एक दूसरे से शादी की है क्या? अच्छा, घर जाने के बजाय होटल रूम चलते हैं। पहले घर पहुँचो, बाकी का प्रोग्राम बाद में। दिखता नहीं है क्या? अरे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती तो। पापा? सुप्रिया, तुम?
अपनी बहू से ही टकरा गया। तुम शादीशुदा हो? पापा छी, पापा मत कहो मुझे। अंकल वंकल कुछ नहीं हूँ। पहले से शादीशुदा हो तुम, जरूर तुम कोई फ्रॉड और एक लुटेरी दुल्हन हो। पहले किसी से नकली शादी करती हो, फिर नशीली चीज खिला के उसको लूट लेती हो। लुटेरी दुल्हन बोला तो भाई से बोल के आपका घर लुटवा दूंगी। मेरी शादी तो आप ही के बेटे से हुई है। मेरे बेटे से? हाँ, वो आज सुबह ही कोर्ट में शादी हुई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। इंसाफ न मिला तो गांव की पंचायत में जाऊंगा। मैं शादी के लिए राजी था तो बिना नोटिस रजिस्टर मैरिज क्यों की? इसे सीढ़ी वाली बात का पता तो नहीं चल गया? चुप है, कुछ बोला तो कुत्ते की तरह काट खाऊंगा। दहेज के लिए 5 करोड़ क्यों मांगे? मैंने केस हारने पर क्लाइंट ने भी कभी इतनी बेइज्जती नहीं की। अपना इल्जाम साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत है? ए काला कोर्ट, अपनी ये वकालत कोर्ट में जाके झाड़ना। यहाँ वकील भी मैं हूँ और सजा देने वाला जज भी। सब आप ही कर लेंगे तो कोर्ट में क्या जज और वकील झक मारेंगे? ये केस तो होकर ही रहेगा। चलो अपील फाइल करते हैं। अबे मुर्दे को केस करते हुए देखा है कभी? बिना धमकी बात नहीं कर सकता, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। अबे दिखाता हूँ तुझे, आजा। शांति से काम लो, कूल। पापा, फोटोग्राफर को बुलवाना, कार्ड छपवाना, रिश्तेदार को बुलवाना, पंडित को बुलवाना, इतना तामझाम क्यों? इन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो झगड़ा किस बात का? हा? जब समधी बन ही गए तो क्यों इस तरह लड़ना झगड़ना? क्यों ना आगे के फंक्शंस रखें? इंटेलिजेंट सजेशन, ऐसा ही होगा। या दैट्स ऑल। क्यों बेटा अर्जुन, क्यों किया ऐसा? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, इतने खेल तो है ना, फिर लाइफ के साथ क्यों खेल रहा है बेटा? इतने दुखी क्यों है पापा? मुहूर्त निकलवाते, फोटो खिंचवाते, वेडिंग कार्ड छपवाते, रिश्तेदारों को बुलवाते, तुम्हारी ग्रैंड मैरिज के लिए ग्रैंड 5-स्टार होटल बुक करवाते। ऐसा क्यों किया बेटा? किसी अनाथ की तरह रजिस्टर्ड मैरिज का रास्ता क्यों चुना? ये आपको किसने बताया? और कौन बताएगा, मेरी बहू ने बताया। मतलब आपने बहू को फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया? उसके भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये चुपके से शादी करके क्या फायदा? फ्री के गिफ्ट्स का नुकसान हो गया ना। ये छोटी सोच वाला आदमी उन बेकार की गिफ्ट्स की चिंता करता है। कथा कहीं का एक लड़की के चक्कर में इतने लफड़े करने के बाद भी बेशरम ऊपर ही ताके जा रहा है। क्या लफड़े किए? तेरी शादी शास्त्रों के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है ना, इसलिए अपने समाज की रस्मों के हिसाब से सुहागरात का प्रबंध किया है। फिर से सुहागरात? वो तो हो चुकी है। हो चुकी है। आज के बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज हैं। सुहागरात खेल खेल में ही मना लेते हैं। आजकल के सीनियर सिटीजन भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो ये लूडो तो खेल ही सकते हैं ना। हम सीनियर सिटीजन की संतुष्टि के लिए कमरे को अंदर से बंद कर लो, फिर जो मर्जी है करो। दुल्हन से कह देना सुबह शर्माते हुए कमरे से बाहर निकले, हम इतने में ही खुश हो जाएंगे। यही तो रिवाज है। तुम क्यों शर्मा रही हो भाई? मुझे सुहागरात पसंद है। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर तू ही दूध लेके अंदर कमरे में चली जा। भाई आई सुहागरात मनाने वाली, चबा गया से। अर्जुन, ये दूध का ग्लास लेके जा। ये मैं लेके जाऊँ? उसे लाना चाहिए ना। अरे वाह, जैसे कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से हो रहा है। चल ग्लास पकड़, ये लो। अब अंदर खिसक। सेकेंड टाइम फर्स्ट नाइट, पहले से धमाकेदार होगी। चिल्लाने की आवाज सुनी? आखिर भाई किसका है? असली मर्द का भाई है। चिल्लाना बहुत अच्छा था, तू चुप रह। याद है ना, तू भी इतना ही चिल्लाई थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो आते ही खर्राटे मारकर सो गए थे। अर्जुन पास मत आना, ये बहुत रॉन्ग है। ए, जी जी जी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। यहाँ नीलाक्षी को होना चाहिए था, तुम क्या कर रही हो? अश्विन और मेरी सुहागरात पर नीलाक्षी का क्या काम? तुम्हारे और अश्विन की फर्स्ट नाइट है? हाँ। तुम्हारी शादी कब हुई? आज सुबह कोर्ट में। अश्विन, ओपन योर माउथ। ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट लोगे ना? हैप्पी न्यूज, आज ही मुझे अपने बेटे के रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में पता चला। मतलब बात लीक हो गई है? यस। कोई लफड़ाफड़ा नहीं हुआ? मर्डर की नौबत तक आई थी, वकील हूँ ना, अपने दिमाग से मैटर सॉल्व कर दिया।
आज उनकी फर्स्ट नाइट भी अरेंज कर दी। मुझे यकीन नहीं होता, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। बेटे की फर्स्ट नाइट से तेरी नाइट सेट हो गई, क्या मतलब? अब रात को मुझे छुप के नहीं आना पड़ेगा ना। ए, क्यों नहीं आओगे? तुम्हारी पत्नी रात को अकेली रहेगी। सर एक छोटा सा डाउट है, किसकी सुहागरात है? क्या बात कर रहा है, मेरे बेटे और सुप्रिया की? सुप्रिया सर कहाँ चले? सुहाग रात तो अंदर चल रही है, तुम क्यों फड़फड़ा रहे हो? सर मेरी गाड़ी कोई और चलाएगा तो तकलीफ होगी ना। अरे तुमने नई कार खरीदी? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अरे इधर आ। सुन, जब कोई अपने लिए नई कार लेके आता है ना, खुद नहीं ड्राइव करना चाहिए, ड्राइवर आगे और खुद पीछे बैठना चाहिए। ड्राइवर से गाड़ी चलवाने का मजा है। क्या गलत है सर? अरे कुछ गलत नहीं है, जानता है ना क्या है? एक्सपीरियंस नहीं है तुझे क्योंकि तू नया है ना, और ड्राइवर पुराना खिलाड़ी रह चुका है। अब एक काम कर, ये मुंह मीठा कर, फिर नींद की गोली खा के अच्छे से गहरी नींद में सो जा। ये बाप बेटे कार में कितने डेंट लगाएंगे। सुप्रिया, ये तुम्हारे पापा है तो अश्विन के पापा कौन है? पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उसने कहा वो करोड़पति है। मंडल मारा, उनका नाम कोटेश्वर राव है। अब तो मेरा भाई पक्का अश्विन को मार डालेगा। ऐसा नहीं होगा, अश्विन तो मेरे हाथों मरेगा। अबे क्या कर रहा है? अबे रुक। अरे पागल की तरह क्यों पड़ा है मेरे पीछे? रुक। नहीं रुक, आज नहीं बचेगा तू। पहले डंडा फेंक, जान ले लूंगा तेरी। डंडा फेंक, बिना बताए शादी कर ली। क्या कर रहा है, पागल हो गया? अरे शादी नहीं करता तो और क्या करता यार, जल्दबाजी में कर ली शादी। अरे यार तेरी वजह से मेरी जिंदगी सैंडविच बनकर रह गई है, एक बीवी ग्राउंड फ्लोर पर, दूसरी फर्स्ट फ्लोर पर। तू जानता है मेरी फैमिली ने क्या किया? मुझे उसके रूम में धकेल दिया। और तूने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। ए ज्यादा मुंह मत फाड़, मैंने बस उससे कुछ सवाल पूछे, इतना ही। कोई रास्ता नहीं था इसीलिए सच बता दिया। पहले दिन से मुझसे झूठ बोल रहे हो, जान ही ले लूंगी। आज रात भर सच बोलूंगा, चलो।